तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में मेडिकल हिस्ट्री के शाहजहां का जो टॉपिक है इसको, और आज ही क्लास में इसके आगे का जो टॉपिक बचेगा औरंगजेब, इसको आज हम ख़त्म करेंगे। तो फिर बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और पूरे तरीके से लगे होंगे एग्ज़ाम के लिए। 3 महीने के बाद RO ERO है और फिर उसके 3 से 4 महीने के बाद आपका PCS के प्रीलिम्स रहेगा। इस बीच में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हो आप उस वैकेंसीज को भरो। अगर उसमें GS का पोर्शन ठीक ठाक अगर आता है आप उसको भरो, यहाँ से चीज़ों को रिवाइज करिए और फिर आप आराम से उस एग्ज़ाम को जा करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के शाहजहाँ को। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। शाहजहाँ टेन्योर क्या दिया है, 1628 से लेकर के 1658 तक का है ना, और इनके एज को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ मुगल अम्पायर है ना। इनके इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। अब चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए शाहजहां वॉज बॉर्न इन लाहौर कब, 1592 में, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नेम था, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, खुर्रम। शाहजहां का ओरिजिनल नेम क्या था, खुर्रम। ये यंगेस्ट प्रिंस थे, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिंस ऑफ दक्कन। सिर्फ 15 साल की उम्र में, देखिए लिखा है ना, एट द एज ऑफ 15, महज 15 वर्ष की उम्र में इनको प्रिंस ऑफ दक्कन अपॉइंट किया गया था, और उस पोजीशन पर अपॉइंट होने वाले सबसे यंगेस्ट क्या थे, प्रिंस थे, ठीक है। यंगेस्ट प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिंस ऑफ दक्कन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। इनका जो पॉलिसी ऑफ दक्कन था वो क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। क्या रहा, सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि जो इनके लास्ट में जो जहांगीर थे, जो इनके फादर थे, है ना, तो इनकी साउथ की पॉलिसी, इनकी दक्कन की पॉलिसी क्या थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। क्यों, कल के हमने क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पे एक मलिक अंबर रूलर था, कहाँ पे, अहमदनगर में। तो ये हमेशा क्या करता था, रिवोल्ट कर देता था जहांगीर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ था, जहांगीर का जो दक्कन पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। प्लस मलिक अंबर को सपोर्ट किसका मिल गया था, मराठास का मिल गया था, तो उस वजह से भी उसका वहाँ पे किंगडम स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो इनके जो दक्कन की पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल रही, और इसी अहमदनगर में रहता था मलिक अंबर, इसी अहमदनगर को क्या किया गया, एनेक्स कर लिया गया, इसको जीत लिया गया, और उसके साथ ही बीजापुर और गोलकोंडा दोनों ने उनकी सोवरेनिटी को क्या किया, एक्सेप्ट किया। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया बीजापुर और गोलकोंडा के द्वारा, किसकी सोवरेनिटी को, शाहजहां के, ठीक है। और शाहजहां ने क्या किया, एनेक्स किसको किया, अहमदनगर को एनेक्स कर लिया। इसमें आगे देखिए, ही ऑर्डर कासिम खान 1632 में टू एलिमिनेट द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज क्या करते थे, जो उनको शाही फरमान का जो ऑर्डर मिला था ना कि ठीक है अपने आप फैक्ट्री को हुगली में लगा लीजिए, वहाँ पे उसको मिसयूज करने लगे थे, है ना। तो उस मिसयूज करने की वजह से क्या बोला शाहजहां ने कासिम खान से 1632 में, कि आप इनको एलिमिनेट करिए, आप इनको हुगली से बाहर करिए, ठीक है। कहाँ से बाहर करने के लिए, हुगली, अ पोर्ट इन कोलकाता, है ना। तो यहाँ से पोर्तुगीज को बाहर करने के लिए, क्यों बाहर करने के लिए, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे थे शाही फरमान को, शाही ऑर्डर को मिसयूज करके और अपना ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक। फिर देखिए, ही वॉन कांधार एंड फोर्टिफाइड इट। कब उन्होंने फोर्टिफाइड किया, 1639 में कांधार को कैप्चर किया, उसको फोर्टिफाइड किया, लेकिन फिर 10 साल के बाद ही 1649 में पर्सिया ने उसको वापस से क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। इन्होंने पर्शिया से कैप्चर किया था कंधार को 1639 में, लेकिन वापस महज 10 साल के बाद ही पर्शिया ने वापस से रिकैप्चर कर लिया, किसको, कंधार को, ठीक है। ये क्या थे, सेकेंड इंडियन रूलर थे जिन्होंने कि सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था, ठीक है। ये क्या थे, सेकेंड इंडियन रूलर थे जिन्होंने कि सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था। तो आप सोचोगे कि फिर फर्स्ट इंडियन रूलर कौन थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड द सेंट्रल एशिया। फिर आप देखो फ्रेंच ट्रेवलर, फ्रेंच ट्रेवलर कौन कौन, बर्नियर और तवर्नियर, ये दो फ्रेंच ट्रेवलर हैं, किसके टेन्योर में आए हुए हैं, शाहजहां के टेन्योर में आए हुए हैं, दोनों फ्रेंच ट्रेवलर हैं। और एक है आपका इटालियन ट्रेवलर, कौन, निकोलो मेनुक्की, ये भी आया हुआ है किसके टेन्योर में, शाहजहां के टेन्योर में। ये जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं, या फिर जितने फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन राइटर्स आए हुए हैं, कौन किसके टेन्योर में आया, इसकी हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, इसको मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जाता है आपके। तो इसमें आप दो को याद रख लो, बर्नियर को और टवर्नियर को, और इटालियन ट्रेवलर कौन है, निकोलो मेनुकी,
ये आए हुए हैं आपके शाहजहां के टेन्योर में। फिर देखिए, ही वॉज इम्प्रिजेंट बाई हिज ओन सन औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद ही इनको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, इम्प्रिजेंट कर लिया था और कहाँ पर रख दिया था, आगरा के फोर्ट में, है ना। काफ़ी इनकी जो लास्ट की जो लाइफ थी वो काफ़ी पेनफुल थी, तो इनके खुद ही के बेटे ने इनको कैप्चर करके बंदी बना दिया था आगरा फोर्ट में, जहाँ पे कि इनकी डेथ हो गई थी 1658 में, शाहजहां की डेथ हो गई थी आगरा फोर्ट के अंदर ही। और इनको जब बरी किया गया था, इनको जब दफनाया गया था कहाँ पे, ताजमहल में, बिसाइड हिज बिलव्ड वाइफ, अपने बिलव्ड वाइफ के बगल में ही इनको दफना दिया गया था। और जो इनका सबसे की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ ही बिल्ट ताजमहल। ताजमहल की इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, कंस्ट्रक्शन किया नहीं, कंस्ट्रक्शन कराया 1632 से लेकर के 1653 तक में। ताजमहल की मतलब ऑन एन एवरेज 20 से 21 साल का टेन्योर है, उसमें ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को कराया गया था, ठीक है। तो एक ये डिटेलिंग्स था किसको लेकर के, शाहजहां को लेकर के। एक बार फिर से ब्रीफ में देख लीजिए, गोल्डन एज ऑफ मुगल अम्पायर है, लाहौर में इनका जन्म हुआ है, लोकल नाम था खुर्रम, ही वॉज द यंगेस्ट प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिंस ऑफ दक्कन। सबसे यंगेस्ट प्रिंस थे, किसलिए अपॉइंट किए गए थे, प्रिंस ऑफ दक्कन में, एट द एज ऑफ 15 ईयर, 15 साल की उम्र में उनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया था, वहाँ पर जो भी छोटे मोटे रिवोल्ट हुए थे उसको काउंटर करने के लिए। इन्होंने काशिम से, हाँ, इनकी जो पॉलिसी ऑफ दक्कन थी वो क्या थी, सक्सेसफुल थी, क्योंकि इन्होंने अहमदनगर को कैप्चर किया, एनेक्स किया, प्लस गोलकोंडा और बीजापुर ने इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। इन्होंने क्या बोला था कासिम खान से कि आप एलिमिनेट करो पुर्तगीज को, क्यों, क्योंकि हुगली के अंदर जो भी उनको शाही फरमान मिला था उसका वो क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। तो कासिम खान को ऑर्डर दिया गया 1632 में टू एलिमिनेट देम या फिर उनका बार करो वहाँ से। फिर देखिए, ही वॉन कांधार, उन्होंने कांधार को कैप्चर किया कब, 1639 में, लेकिन फिर 10 साल के बाद ही वापस पर्शिया ने कांधार को शाहजहाँ से कैप्चर कर लिया, कहाँ पे, 1649 में। ही वॉज द सेकेंड इंडियन रूलर टू इन्वेट सेंट्रल एशिया। ये सेकेंड रूलर थे कहाँ पर इन्वेट करने में, सेंट्रल एशिया में इन्होंने इन्वेट किया था। फर्स्ट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर देखिए, फ्रेंच ट्रेवलर, फ्रेंच ट्रेवलर कौन कौन, बर्नियर और तेवर्नियर इनके कोर्ट में आए थे, और एक इटालियन ट्रेवलर निकोलो मैनुक्की भी इनके कोर्ट में आए हुए थे। ही वॉज इम्प्रिजन बाई हिज ओन सन औरंगजेब इन आगरा फोर्ट और डाइड इन 1658। इनको जो बरी किया गया और ताजमहल में बरी कर दिया गया, ताजमहल के पास जो मकबरा है वहाँ पर बरी किया गया, और अपनी वाइफ की मेमोरी में इन्होंने ताजमहल बनाया था, उसका टेन्योर है 1632 से 1653, ठीक। तो ये एक ओवरव्यू था किसको लेकर के, शाहजहां को लेकर के। शाहजहां के डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन चला था, वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब कि गद्दी के लिए लड़ाई, राजा बनने के लिए लड़ाई, सुल्तान के लिए लड़ाई, बादशाह बनने के लिए लड़ाई, तो इनके खुद के बेटों में सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस समय भी मेजर कुछ बैटल्स हुए थे और वो एग्ज़ाम में आपके पूछते भी हैं, खास करके आर ओ ए आर ओ में, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो लड़ाई हुई है वो 2 साल के बीच में हुई है, 1658 में शाहजहां की डेथ हुई थी, तो 1658 और 1659 के बीच में कम 4 से 5 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो हमको पर्टिकुलर उनका मंथ पता करना पड़ेगा, किस मंथ में, 1658 59 तो फिक्स हो गया, अब किस महीने में हुआ था, यहाँ पे अटैक कौन करता है, आर ओ आर ओ अटैक करता है एग्जाम, ठीक। तो उसको हम एक देख लेते हैं यहाँ पे, वॉर ऑफ सक्सेशन पोर्शन एक बना करके देखिए, वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब गद्दी के लिए लड़ाई। तो देखिए, जो पहला आपका बैटल होगा वो कौन सा होगा, बहादुरगढ़ का बैटल, ठीक है। जो आपका दूसरा बैटल होगा वो आपका होगा धर्मत का बैटल, ठीक। तीसरा हो गया समूहगढ़ का बैटल, चौथा हो जाएगा खांजवा का बैटल, और पांचवा हो जाएगा आपका देवराय का बैटल, ठीक। तो ये पांचों जो बैटल हैं किसके लिए हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए, कब, शाहजहां के डेथ के बाद। अब इनके ईयर को आप देख लीजिए, इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें मंथ आएगा, मंथ के साथ ईयर आएगा। तो जो बांधवगढ़ जो है वो कब हुआ है, फरवरी 1658, 1658 के फरवरी महीने में आपका हो गया है बहादुरगढ़। फिर देखिए, उसी साल अप्रैल के 1658 में आपका कौन हो गया, धर्मत, ठीक। देख रहे हो 1658 कांस्टेंट है, अभी उसके सारे मंथ चेंज होंगे और आरओ यारो इसी जगह पे अटैक करता है क्वेश्चंस को लेकर के। समूहगढ़ कहाँ पे है, इसका बैटल कब हुआ है, मई 1658 में, कब हो गया, मई 1658 में समूहगढ़ का बैटल हो गया। खांजवा वाला जो बैटल है वो कब हुआ है, दिसंबर 1658 में, और आपका लास्ट है देवराई, ये कब हो गया है, मार्च 1659 में, ठीक।
तो जो भी बैटल्स हुए हैं किसके बीच में हुए हैं, और शाहजहां के जो भी सन्स थे उनके बीच में सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो इसको देख लेना अपने को, बहादुरगढ़ फरवरी 1658, धर्मत अप्रैल 1658, समूहगढ़ मई 1658, खांजवा दिसंबर 1658, और देवरई मार्च 1659, 1659। तो ये एक ओवरव्यू था किसको लेकर के, शाहजहां को लेकर के। ठीक, इनके एज को हम लोग गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोलते ही हैं। तो अभी आप लोग इस क्लास में बने रहिए, इस क्लास के अपलोड होने के ठीक 2 घंटे के बाद आपका औरंगजेब का क्लास अपलोड हो जाएगा, और उसी के साथ आपकी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मेडिवल हिस्ट्री खत्म होगी तो फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे। एक मैं एक ओवरव्यू बता दूं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका जो मेन एक टेन्योर आएगा, जो मेन पीरियड आएगा ना, क्योंकि देखिए फिर इसके बाद भी रूलर्स आए हैं, औरंगजेब के बाद भी रूलर्स आए हैं, जो जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स के नाम से। लेटर मुगल्स के नाम से, लेटर मुगल्स के नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके बाद जो आए थे ना औरंगजेब के बाद में, वो उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। ठीक है, उनका भी अचीवमेंट था लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था कि इनके ऊपर इनको रखा जाए। ठीक है, औरंगजेब लोगों के साथ इनको रखा हो जाए। तो लेटर मुगल्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक हम बस देख लेंगे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकेंड, एक हम इनको देख लेंगे। एक सेकेंड बस रुकिए, एक सेकेंड। तो क्या था, बहादुर शाह सेकंड थे, ये लेटर मुगल, एक इनको हम डिस्कस कर लेंगे। इनको भी डिस्कस किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे किसको, मॉडर्न हिस्ट्री को, रिवोल्ट ऑफ 1857 से इसके रिस्पेक्ट में पढ़ लेंगे हम बहादुर शाह जफर सेकंड को। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ से ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, फिर कुछ आपके एक्ट स्टार्ट होंगे, जैसे कि कुछ हो गया आपका पिट्स एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपके हो जाएंगे चार्टर एक्ट, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कुछ रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, है ना, ये क्योंकि क्वेश्चन इधर से पूछते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगी तो फिर वहां से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेन टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब, 1885। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर हिस्ट्री को, और एक कल ही की क्लास स्टार्ट होगा। आज हम औरंगजेब की भी क्लास को अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके साथ आपका मेडिवल हिस्ट्री खत्म, डिपार्टमेंट वाला पोर्शन बचा है उसको अलग से शॉर्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा लिख करके, और उसको आपको मगअप करा दिया जाएगा, आपको उसको रटा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग वेट करिए, इसके बाद औरंगजेब आएगा, और फिर उसके बाद कल से स्टार्ट होगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी। ठीक है, टिल देन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।